सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। देश और दुनिया में महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्यों पर ब्रह्म कुमारीज द्वारा ओम शांति के आध्यात्मिक उद्योग के साथ राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन परिसर में एकता, शांति और समृद्धि थीम पर 5 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुक्रवार शाम को भव्य आगाज हुआ था। सम्मेलन में विश्व के 140 देशों से 7,000 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, विद्वान, राजनीतिक, आध्यात्मिक गुरु और व्यापार जगत की हस्तियों ने शिरकत की। वहीं सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक महिलाएं लोकसभा में हैं। भारत बदल रहा है, भारत का बदलाव हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मेरा दुर्भाग्य था कि कई कारणों से मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था। इस बार मैंने भी फैसला किया था, तमाम व्यवस्थाएं होंगी लेकिन इस बार जाऊंगा। और माउंट आबू में आकर इस परिसर में मैंने जो ऊर्जा, उत्साह, शांति और विश्वास देखा है वो बहुत ही अभिनंदनीय है, बहुत प्रेरणादायक है। आज मैं कैंपस घूम रहा था और ब्रह्म कुमारी आंदोलन का सबसे बड़ा मुझे अभिनंदन करना है कि आज 140 देशों में चेतना, ध्यान, आत्मा के सशक्तिकरण और अच्छे इंसान बनाने का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। मेडिटेशन, अवेकनिंग ऑफ द सोल, डिजाइन टू मेक ए गुड ह्यूमन बीइंग, और ये काम अनवरत चल रहा है। भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम कानून का भी सम्मान करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार था तो उस कानून को सख्त किया, फांसी की सजा भी दी। बच्चों के खिलाफ व्यभिचार था तो उसमें भी बहुत सख्त किया, फांसी की सजा तक दिया है, स्पेशल कोर्ट्स भी बना रहे हैं। 3 तलाक पर भी हम लोगों ने सख्त काम किया है, आर्टिकल 370 को भी खत्म किया है। तो कानून अपना काम तो करेगा, लेकिन हमारे पत्रकार मित्रों का यह भी काम है कि आलोचना भी करें, व्यंग भी करें, हास्य भी करें, नेताओं की खूब आलोचना भी करें, लेकिन कहीं व्यक्ति निर्माण का काम हो रहा है तो समाज को उसकी जानकारी भी दें, यह बहुत जानना जरूरी है। तो मुझे जरा भी शंका नहीं है कि भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन भारत का इष्ट क्या है? क्या हमें दुनिया की सिर्फ आर्थिक ताकत बननी है? क्या हमें दुनिया के सिर्फ सामरिक ताकत बननी है? आर वी टू बिकम ओनली एन इकोनॉमिक पावर और ए मिलिट्री पावर? नो, इंडिया हैज टू बिकम ऑल्सो ए स्पिरिचुअल पावर डिजाइन टू एजुकेट द वर्ल्ड। ये है भारत की दृष्टि, यह है भारत की सोच। ब्रह्म कुमारी आंदोलन भारत के उस महान लक्ष्य को हमेशा मजबूत करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वहीं इस मौके पर भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने तबला, वायलिन और गिटार की धुन पर अपनी मधुर स्वर लहरियों से भक्तिमय संगीत का जादू बिखेरा।